दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी के अनबॉक्स। आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ साउंड वन के DC111 ईयरफोन्स की। ये एक 2-in-1 ईयरफोन्स, या तो बोलो आप एक हाइब्रिड ईयरफोन्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है डिटैचेबल केबल जो कि ईयरफोन के जो हाउसिंग है उससे अलग हो जाती है। इसका बॉक्स पैकिंग कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसकी MRP है 3000 रुपीज़। और चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा इसका कैरिंग केस, और इसी के अंदर आपके ईयरफोन्स, उसकी केबल और बाकी सारा सामान है। ये इसका यूज़र मैनुअल है जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसे आपको इसको ऑपरेट करना है और क्या क्या फंक्शन इसके अंदर दिए गए हैं, बट जनरली हम इसको देखते हैं नहीं। तो हम सीधा जाते हैं फिर ईयरफोन के तरफ। तो ये आपको मिलते हैं इस वाली कैरिंग केस में, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये आपका सारा सामान इसके आप अंदर रख सकते हैं जो कि आपको ईयरफोन के साथ में मिलता है। तो इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको। तो ऑब्वियसली आपको इसके अंदर सबसे पहले आपको इसके अंदर ईयरफोन ही मिलेंगे, और ईयरफोन जो है अभी ये अपने ब्लूटूथ रिसीवर के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके साथ आपको मिलती है एक और इसकी नॉर्मल 3.5 mm वाली केबल, कुछ ईयर टिप्स मिलते हैं, और मिलती है आपको एक चार्जिंग केबल। तो चार्जिंग केबल जो है वो माइक्रो USB है, और काफ़ी स्टैंडर्ड सी केबल है। इसके साथ में आपको कुछ ईयर टिप्स मिलेंगे स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ के। और ये वाली केबल है जो आप डिटैच करके अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, और इसके अंदर भी माइक दिया हुआ है जिसमें खाली सिंगल कॉल बटन रिसीविंग वाला फंक्शन है। और फिर आपको इसके अंदर मिलते हैं इसके ये वाले कनेक्टर्स। इस कनेक्टर का क्या नाम है यहाँ पे मैं लिख के दे दे रहा हूँ। तो इन ईयरफोन्स की खास बात यह है कि आप इसको वैसे तो वायरलेस मोड में यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन जब इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप इसको डिटैच करके इसकी स्टैंडर्ड 3.5 mm वाली केबल में भी लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी हाउसिंग पूरी प्लास्टिक की बनी है, और जो दिख रहा है इसके अंदर कि मेटल का कुछ काम किया गया है, नहीं ये मेटल का नहीं है, सब प्लास्टिक ही है। और थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि अगर इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे तो थोड़ा प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ करते तो अच्छा रहता। ऑल दो बाकी सब कनेक्टर वगैरह जो हैं गोल्ड प्लेटेड हैं, तो उसमें कोई कंजूसी दिखाई नहीं है साउंड वन ने। और ये देखिए, इसको आप ऐसे डिटैच करके आप दूसरी केबल में ऐसे अटैच कर सकते हैं, और जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ईयरफोन्स कहीं बाहर गिर जाएंगे। ये वाला इसका ब्लूटूथ रिसीवर है, और इसके अंदर तीन फंक्शंस मिलते हैं आपको जो हर किसी ब्लूटूथ वाले ईयरफोन में मिलेगा। यहाँ पे आप इसकी चार्जिंग कर सकते हैं, और जो वायर की क्वालिटी है वो भी अच्छी है। इसके अंदर आपको इसकी बैटरी मिलेगी, और वायर की क्वालिटी ठीक ठाक है, टैंगल तो ये भी हो जाती है वायर। और साउंड के हिसाब से ये ईयरफोन्स उतने अच्छे हैं नहीं, बट जिस प्राइस में आपको मिल रहा है और जो हाइब्रिड फंक्शनैलिटी मिल रही है उसके हिसाब से ये ईयरफोन्स ठीक हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग जो देखते हैं कि हमारी ईयरफोन्स ख़राब क्यों होते हैं, वो जनरली ख़राब होते हैं हमारी वायर की वजह से, जो इसके अंदर होती है वो जनरली कट जाती है कहीं से, या उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को फिर नए ईयरफोन लेने पड़ते हैं। इन ईयरफोन्स में क्या होगा कि ऑलरेडी वायर जो है डिटैचेबल है, जिसकी वजह से आपको खाली वायर चेंज करनी पड़ेगी, ना कि पूरी ईयरफोन की हाउसिंग। और मोस्टली ईयरफोन की हाउसिंग जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने इसके लिए सर्च किया कि क्या इस ईयरफोन्स की रिप्लेसमेंट वायर्स मिलती कि नहीं मिलती। तो मेरे को ये अमेज़ोन पे दिखा कि इसके डिटैचेबल ईयरफोन्स आते हैं, मतलब ईयरफोन्स हाउसिंग जो इसकी है वो डिटैचेबल वाली मिल जाती है। और कुछ दिन पहले भी मैं एक बार देख रहा था तो मेरे को रिप्लेसेबल वायर दिख गई थी। तो ये जो डिटैचेबल ईयरफोन्स हैं ये थे अराउंड 599 के, अभी तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। और जो केबल थी वो थी अराउंड 1000 रुपीज़ की विद ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1700 के आपको ये नई ईयरफोन्स पड़ते हैं, और 600 में आपको खाली ईयरफोन्स दोनों, खाली उनकी हाउसिंग, और 1000 रुपीज़ में आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ मिलता है। तो इसके मैंने फिर साउंड वन की वेबसाइट पे भी जाके चेक किया, बट वहाँ पे इसका कोई भी रिप्लेसमेंट वायर्स या फिर ब्लूटूथ वायर या फिर नॉर्मल जो 3.5 mm वाली वायर है। तो इसका मतलब ये है कि साउंड वन ने बस ये ईयरफोन को लॉन्च कर दिया, लेकिन इसके लिए रिप्लेसमेंट वायर्स वगैरह कुछ बनाई नहीं, जो कि मेरे हिसाब से बनाना चाहिए था। अगर ये ईयरफोन्स की ये USP है कि ये डिटैचेबल वायर्स के साथ में आते हैं,
तो उसके हिसाब से साउंड वन को इसकी डिटैचेबल केबल्स भी देनी चाहिए थी अपनी वेबसाइट पे, नहीं तो फिर अमेजोन वगैरह पे, जो कि मैंने कुछ दिन पहले अवेलेबल देखी थी, बट अभी फॉर सम रीज़न मेरे को मिल नहीं पा रहा। तो मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल देखा था, वो था 1000 रुपये का, और जो ईयरफोन की हाउसिंग है वो है 600 रुपीज़ की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको 1 साल या 1.5 साल के लिए अगर ईयरफोन चलाना है तो, और आपको ये थोड़ा जो इसका USP है कि डिटैचेबल है, आपको अगर ये फीचर को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है या फिर आप इसका एक्चुअली में फ़ायदा उठा पाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये ईयरफोन आपके लिए अच्छे हैं। बट साउंड क्वालिटी के हिसाब से और बाकी अगर उतना जो इसका ये USB वाला चीज़ है, अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से इतने पैसे डालना इसके अंदर कोई फालतू ही बात है, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं और बिल्ड क्वालिटी भी उतनी कुछ खास नहीं है। इसका बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक मिल जाता है, अराउंड 5 घंटे का ये ब्लूटूथ पे दे देता है आउटपुट, और वायर्ड मोड में तो फिर तो जब तक आपका फ़ोन का बैटरी है तब तक चलेगा। तो अगर आपको ये ईयरफोन लेना है तो इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं मेरे लिंक्स के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।